श्रावण महीना भगवान शिव की भक्ति के लिए जाना जाता है और इस महीने में जगह जगह शिव आराधना से जुड़े आयोजन आयोजित किए जाते हैं। इसी कड़ी में फिलहाल जिले के ग्राम उन में भगवान पिपलेश्वर महादेव के शिव डोले का आयोजन किया जा रहा है। तो आइए आपको सीधे लिए चलते हैं उन, जहां हमारे संवाददाता दिनेश दसौंधी हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं। तो आइए देखते हैं उनके शिव डोले के ताजा हाल संवाददाता दिनेश दसौंधी के साथ। नमस्कार, मैं हूं दिनेश दसौंधी। हम मौजूद है खरगोन जिले के मंदिरों की नगरी उन में, जहां थोड़ी देर बाद पिपलेश्वर महादेव का शिव डोला निकलने जा रहा है। लगभग तैयारियां पूर्ण हो चुकी है। ये पिपलेश्वर महादेव मंदिर, जहां से बाबा कुछ क्षणों के बाद नगर भ्रमण पर निकलेंगे। हमारा ये लाइव चलेगा और पूरा लाइव प्रसारण हम आपको दिखाएंगे। भगवान पिपलेश्वर यहाँ से नगर भ्रमण पर निकलेंगे अपने भक्तों के हाल जानने के लिए, और इसका पूरा लाइव आपको दिखाई जाएगा SW24 न्यूज मध्य प्रदेश पर। मेरे साथ श्रद्धालु जुड़ रहे हैं। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, बढ़िया लग रहा है। किस तरह का आयोजन है? व्यापक और भव्य सवारी निकाली जा रही है बाबा पिपलेश्वर महादेव की। बाबा पिपलेश्वर महादेव की व्यापक और बहुत बृहद झांकी निकल रही है, जो परंपरा अनुसार हर वर्ष होती है 14 सोमवार श्रावण के, और इस बार बहुत आकर्षक झांकियां आ रही है हमारे यहाँ गांव से और अन्य गांव से। कितनी झांकियां रहेगी? 8 झांकियां हैं। हाँ, आकर्षण का केंद्र व्यापक महालक्ष्मी मंदिर की प्रतिकृति है। इस बार की भव्य झांकी है जो तालाब की ओर से आ रही है, केदारेश्वर भगवान की झांकी है। इसके अलावा खाटू श्याम भगवान की झांकी निकाली जा रही है मित्र मंडलों के द्वारा उनके, और हटकेश्वर भगवान जो दशोरा नागर महाजन समाज के भगवान है, वो पालकी में सवार होके हमारे बीच में जल्द ही आ रहे हैं यहाँ पर। कितनी बजे तक समापन होगा? कैसा? इसका समापन लगभग रात को 1 बजे होना तय है। इसके पहले झांकियां अभी 6 बजे यहाँ पर आरती प्रारंभ होगी, उसके बाद भगवान जी को विराजित किया जाएगा नगर। थोड़ी देर बाद यहाँ आरती होगी, आरती के बाद बाबा नगर भ्रमण पर निकलेंगे। हम आपको सीधे लाइव पूरा दर्शन करवाएंगे, पूरे शिव डोले का लाइव दर्शन करवाएंगे, और पूरे रास्ते भर आपको जितनी भी झांकियाँ उन सभी का दर्शन करवाएंगे, और डीजे वगैरह जितने भी है सभी का दर्शन करवाते हुए लगातार आपको बोल बा। लगभग तैयारियां पूर्ण हो चुकी है। थोड़ी देर बाद यहाँ से भगवान पिपलेश्वर महादेव नगर भ्रमण पर निकलेंगे और झांकियों के कारण यहाँ पहुँचने लगे हैं। हमारे साथ श्रद्धालु जुड़ रहे हैं, उनसे पूछते हैं कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया। हमारे बहुत पुराने बहुत वर्षों से हमारे यहाँ पे ये कार्यक्रम चल रहा है, और इसमें हमारे हटकेश्वर भगवान की पालकी यात्रा भी निकाली जा रही है, और हमारे जितने भी शिव मंदिर है गांव में उनसे भ्रमण करते हुए बाबा वापस यहाँ बता रहेंगे, और पूरे गांव का भ्रमण करेंगे और सबको आशीर्वाद देंगे श्रद्धालुओं को, और गांव में खुशहाली रखने के लिए सब कार्यक्रम चल रहा है और लगातार वर्षों से चल रहा है, और भव्य कार्यक्रम होते जा रहा है। कैसा लग रहा है आपको? कैसा क्या है? नहीं, बहुत ही बढ़िया। हमेशा इस साल में इंतजार रहता है कि बाबा की यात्रा निकलेगी और पूरा गाँव झूम उठेगा। कितने बजे तक इसका समापन होता है, कितने मोहल्लों में जाती है? ये पूरे गांव में भ्रमण करके लगभग 12 से 1 बजे का, और उसके बाद समापन आरती पिपलेश्वर महादेव मंदिर में होगी, उसके बाद डोला समाप्ति की ओर जाएगा। आपको कैसा लग रहा है आज माहौल? आज भाव में बहुत ही अच्छा माहौल है, बहुत ही खुशनुमा माहौल है, और सब श्रद्धालु भक्त लोग नाचेंगे झूमेंगे गाएंगे सब करेंगे। हमने श्रद्धालु से बात की है, और थोड़ी देर बाद यहाँ से पिपलेश्वर महादेव नगर भ्रमण पर निकलेंगे अपने भक्तों के हाल जानने, अपने भक्तों के बीच गांव के बीच गली मोहल्लों में होते हुए एक बार फिर से रात को एक बजे यहां से फिर पहुंचेंगे, और शिव डोले का समापन महाआरती के साथ होगा। देखिए, भगवान पिपलेश्वर का स्वागत करने के लिए आतिशबाजी की जा रही है, और आतिशबाजी के माध्यम से भगवान का स्वागत करते हैं। श्रावण का महीना भगवान शिव की पूजा के लिए जाना जाता है, और भगवान शिव का पार्टी के साथ भगवान पिपलेश्वर का स्वागत, भगवान
कपिलेश्वर महादेव थोड़ी देर में यहाँ से नगर भ्रमण पर निकलेंगे और इस नगर भ्रमण के दौरान हम आपको पूरा लाइव दिखाएंगे। आपको हमारे साथ जुड़े रहना है और आपको बता दें भगवान शिव श्रावण मास में भगवान शिव का पूजन श्रेष्ठ कर माना गया है। इस महीने में भगवान शिव का पूजन किया जाना श्रेष्ठ माना जाता रहा है और भगवान शिव का पूजन किए जाने से यह महीना शिव पूजन का कहा जाता है और शिव के पूजन की वजह से इस महीने में भगवान शिव का पूजन सर्वश्रेष्ठ होता है। भगवान शिव को लेकर कहा गया है आस पास गिरजा मटी साथ चढ़ा के धूल नगारों के साथ भगवान कपिलेश्वर का स्वागत हटकेश्वर भगवान के पालकी महिलाओं की उपस्थिति भगवान हटकेश्वर के पालकी अभी कपिलेश्वर महादेव पहुंच रही है और वहां भगवान कपिलेश्वर की आरती के साथ इस भव्य शिव मेले का शुभारंभ किया जाएगा। अब भगवान होते हुए आप कपिलेश्वर महादेव नगर भवन पर निकलेंगे। ये देखिए एक झांकी हमारे गांव के छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों के द्वारा तैयार की गई है और इस झांकी के साथ आप कपिलेश्वर महादेव का नगर भ्रमण प्रारंभ हो रहा है। उनका प्रतिष्ठित चौक ऐतिहासिक चौक जहां से कपिलेश्वर महादेव थोड़ी ही देर में नगर भ्रमण पर निकलेंगे। आस्था और उन्माद भगवान भोलेनाथ का स्वागत गली गली में होने जा रहा है और डीजे की धुन पर ये युवा नाचते हुए आपको दिख रहे हैं। फिरते ये युवा अपने आस्था को दिखा रहे हैं। लगभग तैयारियां पूर्ण हो चुकी है और थोड़ी देर में भगवान पिपलेश्वर महादेव यहाँ से नगर भ्रमण को निकलेंगे। बस स्टैंड का ये चौराहा जहाँ से थोड़ी देर में बाबा पिपलेश्वर नगर भ्रमण पर निकलेंगे और हम आपको सीधे लाइव दर्शन करवा रहे हैं शिव डोले का। उनका ऐतिहासिक शिव डोला थोड़ी देर में प्रारंभ होगा और लगभग लगभग तैयारियां पूर्ण हो चुकी है, झांकियां पहुंच चुकी है। मेरे पीछे ही आप देख रहे हैं पिपलेश्वर महादेव की झांकी। शिव डोले का मुख्य आकर्षण का केंद्र है। इस झांकी को बनाने में लगभग 2 महीने का समय लगा है और यहाँ के युवाओं ने लगभग 2 महीने इसको लगाया, बनाने में 2 महीने का समय लग गया है और केदारेश्वर भगवान की हुबहू झांकी यहाँ तैयार की गई है। शिव डोले का मुख्य आकर्षण का केंद्र है ये और इस शिव डोले में केदारेश्वर भगवान की झांकी निकाली जाएगी और ये शिव डोले में प्रारंभ हो चुका है हमारा शिव डोला। शिव डोला प्रारंभ हो चुका है। किस तरह की झांकी बनाई आप लोगों ने? हमने केदारनाथ धाम की झांकी बनाई है जो उत्तराखंड में केदारनाथ धाम है, जिसका अभी आपने देखा हो रील्स वगैरह में और काफी ज्यादा प्रचलन चल रहा है। हर जगह केदारनाथ केदारनाथ, हर भक्त के मन में एक जाने की इच्छा केदारनाथ है, तो हम लोगों ने इसी विशेषता को ध्यान में रखते हुए केदारनाथ धाम की झांकी बनाई है ताकि सबकी इच्छा पूर्ति हो और जो केदारनाथ नहीं जा पाए वो यही आगे केदारनाथ धाम के दर्शन करें। कितना समय लगा आपको? हमको 1.5 महीने से पूरे 17-18 लोग मिलके पूरे 1.5 महीने से झांकी के लिए तैयारियां कर रहे हैं। सारे अपने अपने काम धंधे दुकानदारी वाले लोग हैं तो काफी मतलब 4-5 घंटे दिन के देकर और 2 महीने करीब में झांकी पूरी हो गई। 2 महीने का समय लगा इस झांकी को तैयार करने में और इस झांकी को किन किन कलाकारों द्वारा तैयार किया गया है? किन किन कलाकारों द्वारा तैयार किया गया इसको? कलाकार तो आप क्या है, देखिए ये पूरा ग्रुप है, इसमें कोई भी कलाकार अलग से नहीं है। सारे हमारे ग्रुप के लड़कों ने ही काम करा है, कोई भी अलग से कोई पैसे देके किसी भी व्यक्ति से काम करवाया नहीं गया।
इसमें सारे ग्रुप के लड़कों ने अपनी अपनी तरह से अपना जितना सहयोग बन सकता है वो सहयोग किया है। आपको कैसे बस यही देखते हैं कि लोगों की जो अभी जागरूकता है केदारनाथ धाम के प्रति यार वहाँ जाना है तो वो देखते हुए पूरा केदारनाथ धाम को बनाने की इच्छा हुई। क्या नाम लिखा? अनिकेत अग्रवाल। भगवान केदारनाथ की ये झांकी इस शिव डोले का महत्वपूर्ण आकर्षण का केंद्र भी है। जय श्री माता। हमारे साथ एक महिला श्रद्धालु जुड़े, उनसे जानते हैं कि उनको आज कैसा अनुभव हो रहा है, कैसा लग रहा है आपको? आज हमारे छोटे से गांव में छोटे से शिव डोले ने बहुत बड़ा रूप लिया है। यहाँ से हर प्रत्येक गांव से व्यक्ति आ रहे हैं और छोटे से गांव का बहुत लाभ। शिव डोला प्रारंभ हो चुका है, हम आपको लगातार यहाँ के पूरे हालचाल दिखाते रहेंगे। और ये श्री केदारेश्वर भगवान की झांकी जो यहाँ के सरकार ग्रुप द्वारा तैयार की गई है, इस झांकी को तैयार करने में लगभग 2 महीने का समय लगा है युवाओं को, और 2 महीने के समय के बाद हूबहू केदारेश्वर झांकी तैयार की गई, केदार मंदिर के समान झांकी को तैयार किया गया है। सुदर्शन भी है ये झांकी। चलो हंस दो मने नमस्कार, मैं हूँ जिनेंद्र दसूनी, आपको सीधा ले आया हूँ कुंड में, जहाँ थोड़ी देर बाद शिव डोले का शुभारंभ होने जा रहा है। इस शिव डोले का शुभारंभ पालकी यात्रा के साथ हो रहा है। पालकी हटकेश्वर भगवान की पालकी बनाई गई है और ये महाजन समाज द्वारा बनाई गई। किस तरह की पालकी बनाई आप लोगों ने? भगवान हटकेश्वर दशहरा समाज के कुल देवता हैं और उन्हीं के इस आज श्रावण मास के आखिरी सोमवार भगवान हटकेश्वर का विशाल डोले के रूप में पालकी के रूप में सजाकर नगर भ्रमण पर निकले। किस तरह से कौन कौन से धातुओं से बनाई गई है? ये स्टील और इसमें सब तरह के जो भी धातु रहते हैं सब मिलाकर इसके पालकी का निर्माण किया गया है। लगभग तैयारियाँ पूर्ण हो चुकी है, थोड़ी देर बाद शिव डोले का शुभारंभ होगा। अभी मेरे पीछे आप लगातार हम आपको लाइव दिखाएंगे, तो आपको कहीं जाना नहीं है और ये मेरा लाइव लगातार चलता रहेगा। उज्जैन की नगरवा पार्टी मुख्य आकर्षण उज्जैन की नगरवा पार्टी। शिवमय शिव की भक्ति में, शिव ही सृष्टि के सहारक है, शिव ही पालक है, शिवमय इस ओर में भगवान पिपलेश्वर महादेव का
नगर भ्रमण शुरू हो चुका है। हम HW24 न्यूज मध्य प्रदेश के माध्यम से आपका इस शिवडोला में हार्दिक हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। मैं उन चारों तरफ शिव की बयार है। शिवडोले की रवानगी हो चुकी है और धीरे धीरे मंदिर से आगे शिवडोला पहुंच रहा है। भक्तों की भीड़ के बाद झांकियां आएंगी, डीजे और झांकियां लगातार चलेंगे। कहार मांझी समाज की झांकी शिवडोले में शामिल होने के लिए पहुंच चुकी है। शिवडोले की रवानगी हो चुकी है, धीरे धीरे नगर भ्रमण पर निकलेगा और पूरे ओम का भ्रमण करते हुए वापस पिपलेश्वर महादेव पहुंचेगा। कहार मांझी समाज के द्वारा युवाओं की झांकी और युवाओं का मंडल माझी समाज की झांकी आगे बढ़ते हुए उज्जैन की नगरवा पार्टी मुख्य आकर्षण उज्जैन की नगरवा पार्टी। शिवमय शिव की भक्ति में शिव ही सृष्टि के सहारक है, शिव ही पालक है। शिवमय इस ओर में भगवान पिपलेश्वर महादेव का नगर भ्रमण शुरू हो चुका है। हम HW24 न्यूज मध्य प्रदेश के माध्यम से आपका इस शिवडोले में हार्दिक हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं।
मनसा पार्टी और इनका आपस में टकराव, SW24 न्यूज मध्य प्रदेश आप सभी को ये लाइव प्रसारण दिखा रहा है उनके शिवडोले का, पिपलेश्वर महादेव का नगर भवन लाइव प्रसारण आप देख रहे हैं। मेरे साथ यानी दिनेश दसौनी के साथ अब पूरा ऊन शिवमय हो चुका है। सड़कों पर शिव भक्तों की भीड़ देखने को मिलने लगी है। शिवोहम शिवोहम चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, पूरा माहौल शिवमय शिव भक्ति में ओट प्रोट सभी भक्त। शिव ध्वजा पूरे ओन में भगवान शिव का माहौल, महत्वपूर्ण आकर्षण R1DJ महाराष्ट्र का शिवडोल में शामिल होने पहुंच चुका है। बहुत प्रतिष्ठित था उनके लिए ये डीजे। शिव की मस्ती में नाचती युवाओं की टोली, नगर भ्रमण का सिलसिला प्रारंभ। भगवान पिपलेश्वर महादेव सबसे लास्ट में, इसके आगे पालकी यात्रा, इसके बाद युवाओं की टोली। पूरा ऊन शिवमय शिव की भक्ति में लीन हो चुका है। अलग अलग झांकियों का कारवा धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए ये उद्यम शिव भक्ति को दिखा रहा है कि इनकी भक्ति शिव के प्रति कितनी है। आस्था का ये सैलाब भगवान शिव के प्रति अपनी आस्था को प्रकट कर रहा है।
Thank you.
उज्जैन की नगवा पार्टी, मुख्य आकर्षण उज्जैन की नगवा पार्टी। शिवमय शिव की भक्ति में, शिव ही सृष्टि के सहारक है, शिव ही पालक है, शिव मैं इस ओर में भगवान पिपलेश्वर महादेव का नगर। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।